हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निर्जा विरपरिया और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे हमारे घर में पड़े बिस्किट से एक बहुत ही आसान डेजर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं चॉकलेट बिस्किट बाइट्स की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है पार्ले जी बिस्किट का बड़ा वाला पैकेट जो करीबन 250 ग्राम्स का आता है। बिस्किट्स को क्रश करने के लिए डालेंगे हम उसे मिक्सी जार में। पूरे बिस्किट मत डालिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए ताकि ग्राइंड होने के बाद हमें उसका फाइन पाउडर मिले। हमारे बिस्किट का पहला बैच ग्राइंड होकर रेडी हो चुका है, तो धीरे धीरे करके हम पूरा पैकेट ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पाउडर के लिए सबसे छोटा मिक्सी जार यूज़ कीजिए। आप अगर बड़े मिक्सी जार में एक साथ पूरा पैकेट डाल देंगे तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे। अब इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच पीसी हुई चीनी, चार बड़े चम्मच कोको पाउडर और 4 से 5 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता। आप चाहे तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। सब इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर निखारने के लिए इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच घी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इसका आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा दूध डालने से आपका आटा स्टिकी और सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बॉल्स बनाने में दिक्कत होगी। पार्ले जी बिस्किट्स ऑलरेडी स्वीट होते हैं, इसलिए मैंने एक चम्मच चीनी ही डाली है। आप चाहे तो और चीनी डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारे आटे की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुकी है। तो इसमें से हम बनाएंगे हमारे छोटे छोटे चॉकलेट बिस्किट बाइट्स। मैं यहाँ पे बाइट साइज पोर्शन ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे छोटा या बड़ा ले सकते हो। इसे सिलेंड्रिकल शेप देने के लिए हाथ से रोल करने के बाद दोनों साइड्स को फ्लैट करने के लिए कोई भी क्लीन फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल कीजिए। आप देख सकते हो कि हमारा रोल कितना अच्छे से निकल के आया है। ऐसे ही हम बाकी के डो से सारे रोल्स बना लेंगे। इतनी क्वांटिटी के डो से करीबन 30 रोल्स बनेंगे। अब इन सारे रोल्स को साइड में रख देंगे और इसके आउटर कोटिंग की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप मिल्क चॉकलेट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के लिए आप डबल बॉइलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो या फिर माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, पर इसे और पतला बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवरलेस ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने से आपको इवन और थिन कोट मिलता है। अगर आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। अब हमने जो रोल्स बनाए थे वो इसमें डाल देने हैं और इवनली कोट कर देने के बाद हम एक्सेस चॉकलेट को निकाल देंगे और रोल्स को बाहर प्लेट में रख देंगे। आप चाहे तो प्लेट के ऊपर बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर का यूज़ कीजिए ताकि रोल को निकालते समय आसानी हो। सेम स्टेप्स फॉलो करके हम सारे रोल्स को कोट कर लेंगे और कोट करने के बाद हम इन्हें 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि चॉकलेट पूरी तरह से सेट हो चुकी है। तो इस एक्सेस चॉकलेट को निकालने के लिए हम नाइफ यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए पूरी कोटिंग ना निकल जाए। अब इसे गार्निश करने के लिए वही सेम चॉकलेट से आप ऊपर ड्रिजल कर सकते हो। इसके जगह आप वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूजुअली ये स्टेप चॉकलेट को पाइपिंग बैग में डाल के करती हूँ, पर अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फाइनल टच देने के लिए उसके ऊपर मैं यहाँ पे पिस्ताचियो और थोड़े से काजू डाल रही हूँ और आपके चॉकलेट बिस्किट बाइट्स रेडी है। ये खाने में तो स्वादिष्ट है ही, पर इसके साथ साथ इनको बनाना बहुत आसान है। ये फटाफट बन जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए ना ओवन चाहिए ना कुकर। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये बनाने में बहुत ही किफ़ायती है। तो इस फेस्टिव सीजन ये डिश आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।